वैसे आप सब तो आप लोगों को पता ही है कि जल्द से जल्द सीरीज आने वाली है, तो भाइयों बस आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और बताइए कि बॉडी में कैसा रिजल्ट आ रहा है। हैशटैग बोलेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे दोस्तों। मैं आपका अपना अमित पंघाल आपके पंघाल फिटनेस पे। तो दोस्तों आज हमारा वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन वाली रफ एंड टफ डाइट। रफ एंड टफ क्यों? क्योंकि ऐसी डाइट जो हम प्रैक्टिकली पूरी कर सकते हैं। अब 6 मील 7 मील नहीं कर सकते भाई पूरी, सच्चाई बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, नहीं कर सकते भाई। मैं तो नहीं कर सकता, और होगा पता नहीं मेरे भाई होगा, 6 डाइट तो पूरी हो ही नहीं सकती। 4 मील लेता हूँ मैं तो पूरे दिन में, होती हैं तो 4 मील खा लेता हूँ। अब वही डाइट बताऊँगा जो आप फॉलो कर सकते हैं। देखो सबके ना काम है, और जब से कोरोना आया है, अभी मतलब आया क्या, चल ही रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे हालात कैसे हो गए देश में, तो काम धंधे भी ज़रूरी हैं, क्योंकि सबके कम हो गए हैं घर में, आपको पता ही होगा घर में क्या हालात चल रहे हैं। तो सबसे मेन डाइट बता रहा हूँ जो आपको पूरे दिन में फॉलो करनी है। और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 2-3 चीज़ों का पॉइंट, बस ज़्यादा नहीं, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना आपको सिर्फ। पहला, अपना मीठा तला चटपटा कम कर दो। कम क्यों बोल रहा हूँ, एक दिन कर लो जिस दिन आपका मन करे खाना, जिसे चीट डे बोलते हैं, एक दिन रख लो, उस दिन अपना खूब खाओ, सैटरडे संडे जो भी आपको दिन रखना है, लेकिन 6 दिन ना नहीं खाना। दूसरा, आपको अपने प्रोटीन की पूर्ति करनी है, चाहे प्रोटीन से करो, ठीक है ना, प्रोटीन शेक से करो, चाहे चने से करो, चाहे दाल से करो, चाहे चिकन से करो, चाहे अंडे से करो। क्योंकि कई भाई कहते हैं कि भाई दाल में ना प्रोटीन नहीं है, राजमे में प्रोटीन है, सोयाबीन में प्रोटीन है, कई भाई कहते हैं ऐसा, लेकिन ठीक है सबकी अपनी मर्जी है, मैं कभी मना नहीं करता आपको अंडे चिकन खाने का, अंडे चिकन खाओ, लेकिन आप वेजिटेरियन रह के अच्छी बॉडी बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। और तीसरा पॉइंट कि भाई हम कौन सा वर्कआउट करें, क्या वर्कआउट करें। देखिए पहली चीज़ ना, आपको चलना होगा, ठीक है, फिर आपको तेज चलना होगा, फिर आपको भागना अपने आप आ जाएगा। लेकिन हमारी आदत क्या है ना, 1 महीना हो गया, 6 पैक्स तो आपसे दिखे ही नहीं मेरे, 1 महीना हो गया अभी तो नशे दिखी नहीं, 1 महीना हो गया कुछ। दोस्तों चलने का नाम जिंदगी है, चलते रहना है, ऐसे ही वर्कआउट करते रहना है, थोड़ा थोड़ा करते रहें, संघर्ष करते रहना है, रिजल्ट आ जाएगा, हार नहीं मानी। और एक और चीज़ बताता हूँ, आपने हमेशा सुना होगा कि मैं हमेशा जब भी वर्कआउट करता हूँ कोई वीडियो कहता हूँ कि हम करेंगे और हमसे होगा। ये जो हम कहते हैं ना अपने आप से कि हम बहुत तगड़े हैं, हम करेंगे, हमसे होगा, क्योंकि ये आप बिलीव कर लेना, जैसा इंसान सोचता है और जैसा वो अपने अंदर बिलीव करता है वैसा उसके साथ होता है। अब एक इंसान है कहेगा मुझसे नहीं होगा, मैं कर ही नहीं सकता, वो जिंदगी में करके दिखा दे तो नाम बदल देना। वही कर सकता है जो अपने आप से कहता है हम करेंगे और हमसे होगा, क्योंकि ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसकी कोई दवाई नहीं आती, इसका कोई सप्लीमेंट नहीं आता दुनिया में, ये तो खुद से ही होता है। क्योंकि हर कोई दुनिया में पैर खींचेगा, नीचे गिरेगा, एक तगड़ा आदमी उठेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूं, मैंने ज़िंदगी ऐसी जी है, तो मैं ना जोश में आ जाता हूं आप लोगों से बात करता करता। अब बात करते हैं डाइट की, वो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आप सब भी मेरे से प्यार करते हो ना, तो वो जोश जाग जाता है आप लोगों से बात करते करते मेरा। तो अब डाइट में क्या कर रहे हैं, सुबह उठे, ठीक है, सबसे पहले अपना हल्का सा गर्म पानी, या मैं तो तांबे का पानी पीता हूँ, तांबे के बर्तन में रखता हूँ, सुबह उठ कर तांबे का बर्तन का पानी पीना है, सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट। बढ़िया अपना फ्रेश हुए, उसके बाद घर में केले, सेब, बिस्किट जैसे भी हैं, जो भी हैं, थोड़ा बहुत खा के अपना वर्कआउट किया। अच्छा, आप पेट का वर्कआउट करते हैं, आप फैटी हैं, आपका मसल गोल, जो भी आपका एम है, फैट लॉस है, मसल गोल है, मसल बिल्ड है, जैसे जो भी आपका एम है, वेट गेन करना है आपको, उस हिसाब से अपना वर्कआउट किया आपने। अब सुबह अपना ब्रेकफास्ट करना है हेल्दी, ठीक है ना। ब्रेकफास्ट में क्या क्या ले सकते हो, ब्रेकफास्ट में आप दलिया ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, ठीक है, अंकुरित चने ले सकते हो, और जो भाई मेरे अंडे खाते हैं वो उबले अंडे ले सकते हैं, साथ में आपको फोटो दिख रही होंगी सारी, तो फोटो इसलिए आपको समझ आए। अब दिन में, और हाँ एक और बात, अगर आपके पास बजट है तो आप अपने, जैसे ही आपने वर्कआउट ख़त्म किया ना, उसके बाद 5 ग्राम ग्लूटामाइन और 1 स्कूप प्रोटीन पानी में डाल के पिए। क्यों प्रोटीन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ना प्रोटीन से आपकी रिकवरी फास्ट हो जाती है, जैसे ही हम वर्कआउट करते हैं हमारी मसल टूटती हैं, और वो मतलब 50% तक तो वैसे ही जुड़ जाती हैं, जब आप प्रोटीन लेते हैं आपकी रिकवरी अच्छी होती है, इसलिए। और दिन में 2 बार प्रोटीन ले लेना अगर आपका बजट है तो, प्रोटीन शेक, एक सुबह और एक शाम को। उसके बाद ब्रेकफास्ट हो गया, अब बात करते हैं लंच की।
लंच में अपना रोटी खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कई भाई मेरे को मैसेज करते हैं भाई रोटी खाएंगे तो मोटापा आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों, ठीक है ना। आप रोटी खा सकते हो, चावल खा सकते हो, साथ में बस जो आप सब्जी लेते हो ना वो प्रोटीन वाली सब्जी लिया करो, राजमा, छोले, चने, अरहर की दाल, चने की दाल, या जो मेरा भाई चिकन खाता है वो चिकन खा सकता है, ठीक है। और साथ में सैलेड, ग्रीन सैलेड, और थोड़ी सी दही, कर्ड, थोड़ी सी कर्ड ले लेना। ये हो गया आपका लंच। शाम को चाय पी सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो, क्योंकि ना ये कहने वाली बात है चाय नहीं पीनी चाहिए, कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन जो इंसान ऑफिस में काम करता है या खेतों में काम करते हैं या जो मेरे भाई बिजनेस संभालते हैं उनको पता है थकान क्या होती है, उनको पता है थकान क्या होती है, तो आदत हो जाती है भाई मैं भी चाय पीता हूँ और कॉफ़ी पीता हूँ, मेरे से तो नहीं रह जाता बिना चाय कॉफ़ी पिए। सही बात बता रहा हूँ, साफ कहना और सुखी रहना, ठीक है ना। और शाम को अपना कोई 6-7 बजे से एक प्रोटीन शेक पी लो, और उसके बाद बात करते हैं सीधा डिनर, क्योंकि ये वो डाइट है जो आपको फॉलो करनी है। और डिनर में अपना एक रोटी, रात को ज़्यादा नहीं खाना, आपको फिट रहना है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, रात को ज़्यादा खाते हैं और सुबह कम, सुबह राजा जैसा, दिन में आम आदमी जैसा, और रात को, ये कहावत है कि रात को बिल्कुल थोड़ा खाया जाता है। रात को आप मसाला ओट्स ले सकते हो, ठीक है, अपनी एक रोटी दाल के साथ ले सकते हो, अपनी वेजिटेबल्स उबाल के दाल के साथ ले लो, अपना चिकन खा लो अगर आप चिकन खाते हो तो, नहीं तो अपने अंडे खा लो वाइट, मतलब थोड़ा खाना खाना है आपको, हेल्दी खाना है लेकिन थोड़ा खाना है रात को। और दोस्तों रात को सोने से पहले मैं दो लेता हूँ स्ट्रॉन्ग फोर्स, अच्छी रिकवरी होती है, अपने दो स्ट्रॉन्ग फोर्स लेके गुड नाइट। तो दोस्तों ये डाइट है, सिंपल सी डाइट लेनी है, इतनी टेंशन नहीं लेनी कि मैं ये खाता तो ऐसा हो जाता, मैं ये खाता तो, यार सब कुछ ना आपकी सोच पे निर्भर करता है। अच्छा वर्कआउट करो, तीन चीज़ हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताई हैं, बस उनका परहेज कर लो, आपकी ज़बरदस्त बॉडी बन जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। और चीट डे का ही मेरे भाई कहते हैं हम चीट डे क्यों करें, चीट डे ना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम जब कॉम्पिटिशन करते हैं ना तो हम 3 महीने ना भूखे मर जाते हैं कि मीठा नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। जैसे ही कॉम्पिटिशन ख़त्म होता है ना 2 महीने तक सब कुछ खाते हैं हम, जलेबी, टिक्की, गोलगप्पे, जो मतलब गलत से गलत होता है ना वो सब कुछ खाते हैं, फिर वही बॉडी वहीं आ जाती है। तो एक कदम आगे एक कदम पीछे चलता रहता है। चीट डे करोगे ना मतलब 7 दिन में अगर एक दिन आप अपनी मनपसंद की चीज़ खा लोगे तो आपको एक संतुष्टि मिलेगी और आप अपने टारगेट पे अच्छे चलते रहोगे। तो दोस्तों ये डाइट फॉलो करो, ठीक है ना। और टेंशन नहीं, टेंशन लोगे ना, चिंता और चिता सिर्फ बिंदी का फ़र्क है, सिर्फ बिंदी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, सेहत का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।